तो चलिए अभी पूरी खबर आपको दिखाते हैं अगले एक मिनट में। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। एक मिनट में इस पूरी खबर को समझाते हैं। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को 160 किलोमीटर दूर शिकागो से भी देखा जा रहा है। इससे इस आग की विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग इलिनॉय और विस्कॉन्सिन राज्यों की सीमाओं के पास स्थित रॉकटन में कैम्पटून इंक में लगी है। कैम्पटून इंक में ल्यूब्रेटिंग ग्रीस की विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता है। हालांकि इस भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने में कई दिनों का वक्त लगेगा, क्योंकि इसे बुझाने के लिए रसायनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसका कारण इस फैक्ट्री से महज 300 मीटर की दूरी पर रॉक नदी का होना है। आग बुझाने वाले लिक्विड रसायन बहकर रॉक नदी में जा सकते हैं, जिससे नदी के प्रदूषित होने की आशंका है। इलिनॉय के इस केमिकल कारखाने में आग लगने की वजह से एक मील के दायरे में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने का आदेश जारी किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने ही घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां खुद गिर गई हैं। मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने घोटाले के आरोप खारिज कर दिए। अंसारी ने कहा कि जमीन पर उनका एग्रीमेंट 2011 में हुआ था। ऐसे में सिर्फ 10 मिनट में कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो जाने के आरोप झूठे हैं। मैम, यही कहना चाहते हैं, जो माननीय पवन पांडे न्याय पांडे मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है और संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोटाले के आरोप दोहराते हुए इसकी सीबीआई और ईडी जांच की मांग की। करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया, उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि झूठे आरोप लगाने वाले नेताओं पर वो मानहानि का मुकदमा करेगी। राम मंदिर का जमीन खरीदे विवाद पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया। राम मंदिर की जमीन खरीदी विवाद सियासी मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाने साधे। सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, श्री राम स्वयं न्यास है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस ने जमीन खरीदी की उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की। इस पर सीधा साधा हमको जवाब चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में आपने कैसे खरीदी। शिवसेना ने कहा राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप गंभीर हैं। ट्रस्ट ने जो ट्रस्ट के मुखिया है सामने आकर बताना चाहिए, लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। जवाब में बीजेपी ने कहा जमीन खरीदी पर विवाद खड़ा करना भी राम मंदिर के निर्माण को अटकाने की नई साजिश है। सब कुछ व्हाइट में हुआ है, सब कुछ अकाउंट में गया है, सब कुछ बिल्कुल वही खाते के अनुसार हुआ है। अयोध्या के मेयर और जमीन खरीदी के गवाह रहे ऋषिकेश उपाध्याय ने भी कहा विपक्ष के आरोप झूठ पर टिके हुए हैं। राजनीति से प्रेरित बयान है जो पूर्णतया असत्य। अयोध्या में विकास की कई योजनाओं को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अयोध्या के विकास के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सोमवार को बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनेगा। इसके लिए 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग द्वारा दिया जाएगा। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर 4 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 20.17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनाव और कोरोना काल में मंत्रियों के किए गए कामों की समीक्षा की गयी। भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है। जब भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है तो वहाँ पर यातायात के जितनी भी सुविधाएं हैं उस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में जिला पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे। इस दौरान ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होंगे। बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाने के साथ साथ चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन पत्र सौंपा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 50 विधायकों ने सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने दल बदल कानून और चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए मुकुल राय से नैतिकता के आधार पर विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की। मुकुल जी विधायक लीडर है, सीनियर लीडर है, उसको नैतिकता के आधार पर एथिकल ग्राउंड में रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए। इस भूमि में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। यहाँ के महापुरुषों का जो मार्गदर्शन दुनिया देख रही है उसका अनादर यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में हिंसा रोकने के लिए ममता बनर्जी जरूर कदम उठाएंगी। यूपी में 75 जिलों में 15 जून से 3 जुलाई के बीच चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान हो गया है। राज्य में 75 जिलों में 15 जून से 3 जुलाई के बीच चुनाव होंगे। वक्त ज्यादा नहीं होने से राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के खाली पदों पर तैनात किए गए प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल 13 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल 75 पद है। इन पदों पर 3,050 चुने हुए जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख के 826 पदों के लिए 75,852 चुने हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बीच में से किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी का सारा फोकस जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर है। पंचायत में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतिहास की सबसे बड़ी विजय जिला पंचायत के चुनाव में 2021 में भारतीय जनता पार्टी को मिली। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक 3 की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी देखा गया। दिल्ली में अनलॉक 3 का आज दूसरा दिन है। नए नियमों के तहत सोमवार से दिल्ली में अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलने लगी हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे एक हफ्ते के ट्रायल के तौर पर लागू किया है और कोरोना प्रोटोकॉल पालन नहीं होने पर फिर से सख्ती की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों की ये जिम्मेदारी स्वतः बनता है कि जिस प्रकार का विषम संकट दे करके ये शहर या देश गुजरा है, सब उसको देखे हैं और ये एक सबकी एक जिम्मेदारी बनता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, बेवजह भीड़ ना लगाएं। अनलॉक 3 से पहले दिल्ली में दुकानों को खुलने के लिए ऑड इवन नियम को लागू किया गया था, लेकिन अब दुकानें पूरी तरह से खुल गई हैं। पहले दिन सोमवार को दुकान के खुलने से लोग खुश नजर आए। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ। मेट्रो में भी लोगों की भीड़ दिखी और यात्रा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रही। बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आगरा के धरियाई गांव में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे शिवा को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बच्चा खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था। 100 फुट गहरे गड्ढे में बच्चा करीब 90 फुट की गहराई में फंसा था। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे चला, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए एक समानांतर गड्ढा खोदकर सुरंग बनाई गई और कुछ दूरी पर एक दूसरा गड्ढा खोदा गया। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद बच्चे को स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। सुरक्षित निकाला है बच्चा एकदम, उनका बिना इंजरी से। अभी उनका मेडिकली फिट है, अभी प्रीमियम उनका फर्स्ट एड करने के लिए हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में गए। वो अच्छा है बच्चा, बहुत सब कुशल हमने बच्चे का रिकवरी किया है। करीब 5 साल पहले ये बोरिंग कराई गई थी, लेकिन वो खराब हो गई थी। 2 दिन पहले ही इसकी पाइप निकलवा कर नई बोरिंग में लगाई गई थी, लेकिन गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया था। और इस खराब पड़े बोरवेल में सोमवार की सुबह 4 साल का शिवा घर के बाहर खेलते समय गिर गया था। चिराग पासवान के सारे दांव फेल हो गए हैं और अब पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल नेता बन गए हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी के नए संसदीय दल नेता को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार अब सांसद पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। इसके बाद अब 6 सांसदों की पार्टी में चिराग पासवान अकेले रह गए हैं। अलग हुए गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पशुपति पारस को सदन में पार्टी का नेता घोषित करने की मांग की थी। पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ने के आरोप को खारिज किया है। इसके पहले सोमवार सुबह चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके आवास भी पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। चिराग पासवान घर के बाहर काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे। LJP से अलग गुट के नेताओं के साथ JDU नेता लल्लन सिंह, संजय सिंह और माहेश्वरी सिंह ने मुलाकात भी की। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद पशुपति कुमार पारस LJP संसदीय दल के नेता बन गए हैं, जिनके साथ चौधरी महबूब अली केसर, वीणा देवी, प्रिंस राज और चंदन सिंह है। खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर में भारी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। मई में थोक महंगाई के बाद खुदरा महंगाई में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर मई में बढ़कर 6.3% हो गई, जबकि अप्रैल में 4.23% थी। यानी अप्रैल के मुकाबले मई में खाने पीने की चीजें महंगी हुई। खुदरा के साथ साथ थोक महंगाई दर ने भी झटका दिया है। थोक महंगाई दर अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मई के महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सरकार के मुताबिक पिछले साल के बेस इफेक्ट, कच्चे तेल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के दामों में आई तेजी की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 10.49% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मई में थोक महंगाई 3.37% थी। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर में ये लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी है। सुशील पहलवान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि दिल्ली में एक और खिलाड़ी की गिरफ्तारी हुई है। दिखाते हैं पूरी खबर। रोप स्किपिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके खिलाड़ी पंकज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंकज पर मोहन गार्डन थाना इलाके में दहशत फैलाने के लिए गोली चलाने का आरोप है। पंकज को गोली के नाम से भी जाना जाता है। पंकज कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल ले चुका है। वर्ष 2019 में दुबई में आयोजित इंटर स्कूल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप में इसने रजत पदक प्राप्त किया था। दिल्ली के द्वारिका डिस्ट्रिक्ट के DCP संतोष कुमार मीणा ने बताया कि 5 मई को मोहन गार्डन इलाके में गोली चली थी और गोली चलाने वाला मोटरसाइकिल से आया था। छानबीन के दौरान पुलिस ने पंकज और राहुल नामक शख्स की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया जिस पर आरोपी सवार था। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक नया एंगल सामने आ रहा है। सागर धनखड़ हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि इस हत्या के पीछे यूक्रेन की महिला भी एक वजह हो सकती है। दरअसल यूक्रेन की एक महिला सोनू महाल की गर्लफ्रेंड है और उसकी एक तस्वीर के साथ सुशील पहलवान के बेहद करीबी अजय ने सेल्फी ले ली थी। क्राइम ब्रांच को जांच में पता चला है कि मॉडल टाउन के सागर धनखड़ के फ्लैट पर हत्या से कुछ दिन पहले सुशील पहलवान का बेहद करीबी अजय कुमार गया था। जब वो फ्लैट में दाखिल हुआ तो उस दिन सागर और सोनू महाल उस फ्लैट पर नहीं थे। वहीं पर अजय ने कमरे में लगी उस यूक्रेन मूल की महिला की फोटो के साथ सेल्फी ले ली थी। जब इस बात की जानकारी सोनू महाल को लगी तो उसने अजय को फोन कर उसे और सुशील को लेकर गाली गलौज किया। क्राइम ब्रांच का मानना है कि हो सकता है ये भी वजह बनी हो जिसमें सागर की मौत हो गई। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.